अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डोमेस्टिक किचन। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ड्रमस्टिक, थाई स्टाइल ड्रमस्टिक। जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लें। ड्रमस्टिक ले लेनी है हमें, मैंने ली है 5 अदद, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने ले सकती हैं। और एक ड्रमस्टिक के लिए एक पोटैटो, एक ड्रमस्टिक के लिए एक पोटैटो। यहाँ पर मैंने 5 लिए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 छोटे हैं तो 1 के बराबर, और ये 2 छोटे हैं तो 1 के बराबर। इस तरह ये मेरे इसमें सारे कंज्यूम हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें जो चाहिए वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका। इसको बनाना बहुत ईजी है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में मैं जो यूज करूंगी वो है ब्रेड क्रम्स, मैदा और अंडा। चले आइए, सबसे पहले मैं पैन में डालती हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसमें अपनी ड्रमस्टिक शामिल करूंगी। तो थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, पानी छट 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 उबल रहा है इसका। फ्लेम स्लो कर देते हैं इसकी। अब इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें मैं डालती हूँ 2 चमचे सोया सॉस और 2 चमचे चिली सॉस, और इसमें शामिल करूंगी मैं 2 ही चमचे सिरका। सिरका शामिल कर दिया और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया है मैंने। इसको पकाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसका। कलर चेंज होने के बाद इसको गलने के लिए रख देंगे। गलने के लिए रख देंगे, इतना गलाएंगे कि हमारी ये जो लेग पीस है सारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसके हम रेशे कर लें अच्छे से। अब हम फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसको गलने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। देखते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेग पीस हमारी गल चुकी होंगी ड्रम स्टिक। अब ये देखिए सारा मसाला भुन गया है और ये अच्छी तरह से गल गई है और ये टूट रही है आराम से। चूल्हा बंद कर देते हैं, निकाल लेते हैं इसको। इसको निकाल लेंगे, लेग पीस हमने निकाल लिए, ये बिल्कुल गल चुकी है और ये बहुत हॉट हो रही है। हमें इसके पीसेज अलग करना है सारे, ये निकाल लेना है हमें। और ये जो इसकी ये डंडियां हैं इसको हम एक जगह रखेंगे इस तरह से। इसी तरह मैं सारी निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारे जितने भी ड्रम स्टिक थे मैंने इस तरह से उसके रेशे कर लिए हैं अच्छी तरीके से। और इसमें हमने जो शामिल की थी चीज़ें, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, उसमें हमने डाल के अपनी ड्रम स्टिक गला ली थी। गलाने के बाद हमने इसके रेशे कर दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये रेशे अलग हो गए। अब हमें चाहिए पोटैटो, जो कि हमने 4 बड़े साइज के ले लें हैं। आप 5 ड्रम स्टिक के लिए ब्रेड क्रम्स चीज है जिसमें हमारी मोजरेला है और थोड़ी सी चैडर भी है। मोजरेला और चैडर दोनों हैं। मैदा है और ये अंडा है 1 अदद और ये ड्रम स्टिक की स्टिक है। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम अपने ये जो मैश पोटैटो हैं वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए पोटैटो हमने अपने इसमें सारे शामिल कर लिए हैं। यहाँ पर इस स्टेज में हम थोड़ी सी यहाँ पर ब्लैक पेपर पोटैटो में और ज्यादा ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो कर दें, ना चाहें तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है चिकन में। और सॉल्ट नहीं करूंगी क्योंकि हर सॉस में जो है सॉल्ट होता है, चिली सॉस में भी और उसमें भी सोया सॉस में भी। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं अपने हाथों का मिक्स करती हूँ इसको अच्छी तरीके से। हमने अपनी बोटियाँ पोटैटो दोनों चीजें इसमें मिक्स हो गई हैं, पोटैटो और जो हमारे ड्रम स्टिक के रेशे थे वो अच्छी तरीके से हमने मैंने मिक्स कर लिए हैं इसमें। अब मैंने अंडा फेंट रही हूँ इसमें। थोड़ी सी मिर्चें और सॉल्ट
शामिल कर लिया है। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। हम इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये चिकन और अपना ड्रम स्टिक का पेस्ट इस तरह से मैंने हाथों में लिया। और अब हम इसमें ड्रम स्टिक लगाएंगे। ड्रम स्टिक थोड़ा सा और ले लेते हैं। ड्रम स्टिक को अंदर तक लगा के अपना मोज़रेला इसमें हम फिल करेंगे और चैडर और मोज़रेला हम अपनी फिल करेंगे इसमें। और अच्छी तरह प्रेस करके थोड़ा सा और यहाँ से लेके इस तरीके से पूरी हमारी ड्रम स्टिक तैयार हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे मैदे में लगाएंगे। अच्छी तरह दबा दबा के बिल्कुल, ताकि हमारी स्टिक ना निकले। और अब हम इसे मैदे में लगा रहे हैं। चारों तरफ से हमने मैदा इसमें कोट कर दिया है। मैदे में लगाने के बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद बहुत एहतियात से उठा के इसे हम ब्रेड क्रम में डालेंगे। थोड़े से हैवी होते हैं, इसलिए थोड़ा संभालना इसे मुश्किल है। बहुत केयरफुली होकर बस इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्रम स्टिक तैयार है। इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने सारे तैयार कर दिए हैं अपने ड्रम स्टिक। ब्रेड क्रम में पहले हमने मैदा लगाया, मैदे के बाद अंडा लगाया, अंडा लगाने के बाद हमने इसमें ब्रेड क्रम लगाया। ब्रेड क्रम में मैंने एक चम्मच चाट मसाला लगा दिया था, थोड़ा सा चटपटा सा एक टेस्ट आ जाए। थाई स्टाइल है, मगर हम तो पाकिस्तानी है ना, कुछ तो चटपटा चाहते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है चाट मसाला शामिल कर दिया। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए, ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये थोड़े से सख्त हो गए, अब हम इसे फ्राई करते हैं। चलें फ्राई करने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ। दो की गुंजाइश है तो मैंने दो डाली है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए, कितनी गोल्डन सी फ्राई हो रही है हमारी। ये रेसिपी बहुत यमी है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जरूर ये रेसिपी मुझे शेयर करें कि आपने कैसी बनाई है, और फीडबैक दें इसका मुझे। देखिए, मैंने सारी फ्राई कर ली है, अब मैं इसे निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। तो देखिए, ये हमारी मजेदार सी यमी चीजी ड्रम स्टिक तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी चीजी बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।